देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सरिश खान और आप देख रहे हैं सोलो ट्रैवलर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस कोर्स में। तो नाज़रीन आए शुरू करते हैं आज की ये सुपर डुपर एक्साइटमेंट से भरी हुई प्यारी सी एपिसोड और बहुत प्यारा सा मेरा सा जो आए चलें फिर। तो जी नाज़रीन जैसे कि आपको पता है कि रेस कोर्स में जश्न बहारा लगा हुआ है, तो ये देखें कितना प्यारा फूल है ना, ये देखें। ओ वाह नाज़रीन, और देखिए अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ विलेज में और गांव की लाइफ तो आपको पता है वैसे कितनी अच्छी होती है। तो आए फिर देखते हैं। ओ नाज़रीन देखिए मैं एक ट्रक के साथ मौजूद हूँ और ट्रक पर लिखा हुआ है चश्मे बदूर, तो मैं अपना चश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि नज़र ना लग जाए। और ये बच्चे भी यहाँ पर हंस रहे और भाग रहे तो इन बच्चों से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बच्चों, मज़ा आ रहा है, आ जाओ आप लोग या पहले भी आए हो, तो आप क्या कहेंगे कि आना चाहिए यहाँ पर? यस यस। तो गल्फ पाकिस्तान भी आप देखते रहे। देखिए नाज़रीन कितनी प्यारी इसकी डेकोरेशन है, आप इस ट्रक को देख रहे हैं और इस ट्रक से हमें पता चलता है पाकिस्तान का कल्चर क्या है और कितना खूबसूरत है। और ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं होती, बहुत ही अलग किस्म के ट्रक होते हैं और इस ट्रक की जो वर्थ होती है बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव किस्म के ट्रक होते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, हमारा कल्चर। तो आए आगे और भी चलते हैं और बहुत खूबसूरत से ढाबे भी हैं, मैं तो यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है। तो आए तो नाज़रीन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सजना का डेरा है, यानी कि कोई मोहब्बत करने वाला था उसने अपना डेरा ही लगा दिया है। तो आए इधर देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर बारबेक्यू हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चिकन है ये सारे लोग खा जाएंगे। आइए देखते हैं कि कितनी प्यारी है चिकन से। ये कितने की दे रहे हैं आप, कितने का है ये? 1100 का। ये दो मिलेंगे एक एक प्लेट चावल होते हैं, कुछ सही होते 1100। अच्छा 1100 रुपए में मिलता है नाज़रीन ये एक पूरी चिकन होती है और साथ में कबाब होता है और आप खा सकते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी है 1100 रुपए में। एक प्लेट चावल होते हैं, बिरयानी। अच्छा बिरयानी भी साथ देते हैं, ओ वाओ। तो ये आपने ये मिसाले भी रखे हुए हैं, ये देखें इनके अपने मिसाले हैं और ये बारबेक्यू चल रहा है। तो आप जो है ना कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये तकरीबन एक महीने का नुमाइश लग गई, अगले पहले तरीके तक खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ बताए रेसिपी जो आप समझते हैं कि सिर्फ आपके पास ही और किसी के पास नहीं है, दिखाएं जरा हमें, लाख दिखाएं और ये गिर ना जाए कहीं। दोस्तों ये देखें, ये देखें, हाँ ये बड़ी गर्म है और टेस्टी भी लग रही है, तो ये देखें आप भी खाएं नाज़रीन। और ये लें और 1100 रुपये भरे, ये लें, थैंक यू। तो नाज़रीन ये देखें एक बहुत खूबसूरत सी जो टेबल है वो बनी हुई है और चेयर्स ये लकड़ी की बनी हुई है, ये देखें। वैसे ही अच्छी है कि आप इस पर बैठें, मज़ा भी आ रहा है, झूले भी आप ले सकते हैं झूले भी ले सकते हैं और साथ साथ अगर बारिश अभी आ जाए तो ये आपकी जो है ना टूटेंगी नहीं, चेयर्स टूट भी सकती है लेकिन अभी तो नहीं टूटेंगी। तो आए और देखें काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर। तो जी नाज़रीन आपने देखा ये कितना अच्छा यहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ है और विलेज की तरह से आपको लुक लग रही है और फैमिलीज यहाँ पर खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और विलेज लाइफ का मज़ा ले रहे हैं। तो मैं भी मज़ा ले रही हूँ, यकीनन आप भी ये वीडियो देखकर मज़ा ले रहे होंगे। तो नाज़रीन मैं इस वक्त एक बड़े प्यारे से ढाबे पर मौजूद हूँ जहाँ पे जो है सरसों का जो है साग मिल रहा है, मकई की रोटी और अचार मिल रहा है और ये गांव की जो रियलिटी है, असली फेस है, वो यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। और यहाँ पर सारी खवातीन ही काम कर रही हैं, तो पाकिस्तान में आप देखिएगा खवातीन हमारी कितनी मेहनती हैं, कितना काम कर रही हैं, ये हमारी कौम की बेटियाँ हैं, माएँ जो काम कर रही हैं, तो हमें इनको ज़रूर जो है सपोर्ट करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए, इन खवातीन को आगे लाना चाहिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान और मैं हूं सरिश खान सोलो ट्रैवलर। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं एक लस्सी अगर आपने पीनी है तो यहां से आप पी सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी है लस्सी और टेस्टी लग रही है, प्यारी तो नहीं टेस्टी लग ये देखें, ये है हमारे गांव की रिवायत, हमारी रस्म व रिवाज और कितने टेस्टी हैं यहाँ के खाने। इनसे पूछते हैं इस शॉप वालों से कि कितने की दे रहे हैं ये लस्सी, कितने की दे रहे हैं? 100 की दे रहे हैं।
सिर्फ 100 की, इतनी सस्ती क्यों मिल रही है ये लस्सी? क्या है ऐसा इस लस्सी में? ये चाटी की लस्सी है ना, इसमें मक्खन निकलता ना। अच्छा, मक्खन भी साथ होगा, ये तो फिर बहुत ही रीजनेबल है। तो नाजरीन, आप घरों में क्यों बैठे हुए हैं, जल्दी से इस रेस को उसके मेले पर आ जाएं और लस्सी पिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में। ये देखिए नाजरीन, ये घर का साग है और ये आला किस्म का साग है, और यहाँ पर आकर आप ये खाएं, बड़ा टेस्टी है ये साग। अच्छा, ये मकई की रोटी है नाजरीन साथ में, मैं आपको बताऊँ, मकई की रोटी जब आप खाते हैं तो इसे मोटे भी नहीं होते, ऐसे ही है ना, मोटे भी नहीं हो। ये बहुत ही गर्म है नाजरीन, आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं नाजरीन, यहाँ पे बच्चों की एक बड़ी तादाद है और वो खा रहे हैं, पी रहे हैं और बड़े आराम से बैठे हैं। ये बच्चे उछल कूद भी नहीं कर रहे, ये बड़े अच्छी बात है, पहली दफा देखे बच्चे आराम से बैठे हैं। आगे चलते हैं। नाजरीन, यहाँ पे तो बहुत ही मजा आ रहा है। आए आगे चलते हैं। तो जी नाजरीन, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पे खाने भी बड़े टेस्टी हैं, तो इनकी मैनेजमेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं, कितने दिन से आपने स्टॉल लगाया है? हम लोग लास्ट वीक आए हैं, अभी तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए हम लोग को आए हुए, और बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा क्राउड है, लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज। बिल्कुल बिल्कुल। फायरवर्क्स हुए बहुत खूबसूरत, और रोज कॉन्सर्ट भी होता है। अच्छा, और इसके साथ हम लोग सीक्रेट स्पाइस। अच्छा, सीक्रेट स्पाइस है ये, इसे इसका मतलब है कि इसके नाम से कोई स्पाइस किस्म के होंगे, कोई तेज स्पाइस होंगे यहाँ पे, वो सीक्रेट है जो कि आप जैसे ही फर्स्ट बाइट लेते हैं तो ये अनरिवील होता है। अच्छा, तो इसमें आपके स्टॉल में जो आपने लगाया है सीक्रेट स्पाइस, तो इसमें कौन कौन सी डिशेज आपने रखी हैं? हमारी सबसे मेजर स्पेशलिटी हमारी जट कढ़ाई है। जट कढ़ाई? जट कढ़ाई जो है वो बेसिकली इट्स मटन कढ़ाई। ओके, मटन। जी जी, मटन कढ़ाई विद आपका जो है देसी घी और मक्खन के साथ। अच्छा, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि यहाँ पर स्टॉल्स में जो है ना वो आपके पास देसी किस्म की चीजें ज्यादा प्रमोट की गई हैं, जो हमारे कल्चर की हैं। उसके अलावा हम लोग बीफ बिरयानी इंट्रोड्यूस। ओह वाओ, बीफ बिरयानी, जबरदस्त। और हम लोग टेस्ट भी करवा रहे हैं साथ साथ कस्टमर्स को, और वंस जो बंदा टेस्ट कर लेता है वो फिर यहाँ से जाता नहीं है। तो आप चाह रहे हैं कि मैं ना आगे जाऊँ, यहाँ पे रुक जाऊँ? तो चले फिर, हाँ चले फिर नाजरीन टेस्ट करते हैं इनका सीक्रेट स्पाइस का, हम राज भी जानते हैं। आ जाए, बारबेक्यू राइस प्लेटर ये है। नाजरीन, ये तो बहुत टेस्टी है, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन मुझे आगे भी तो जाना है। थैंक यू सो मच, आपका वाकई टेस्टी है, थैंक यू। तो जी नाजरीन, नाजरीन मैं चलाने लगी हूँ ये बगी, 100-100 रुपए में, 100-100 रुपए में, 100-100 रुपए में, जल्दी से आ जाए। मुझे तो बहुत मजा आया बगी की सैर करके, तो आप भी जरूर कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, और ये टिकट वाला जो पैसे ले रहे हैं, भागो इससे पहले हम टिकट के बगैर भाग रहे हैं। तो जी नाजरी, मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इतना कुछ है कि मैं तो बस समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इसलिए नाजरी, नेक्स्ट एपिसोड तक जो है ना वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है, और मिलते हैं एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए सैरिश खान को इजाजत दीजिए और देखते रहे सोलो ट्रैवलर। सब्सक्राइब कल पाकिस्तान।